देखिए इसके बाद एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का ये क्वेश्चन को आपको गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में ज्ञात करना है। इससे पहले मैंने एक ऑलरेडी क्वेश्चन उदाहरण का कर चुका हूँ, सेम उसी मेथड से ही हम लोग चलेंगे। तो देखिए इसको करने के लिए पहले क्या करोगे आप, माना जेड इक्वल्स टू कितना है 4 माइनस 3i। अब जेड इनवर्स कितने हो जाएंगे, जेड इनवर्स होता है कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। तो कंजुगेट जेड क्या होता है, अभी बताया मैंने, जो जेड का वैल्यू है वहां पे प्लस लगा देना है। तो जेड मॉड जेड का वैल्यू, सॉरी कंजुगेट ऑफ जेड कितना हो जाएंगे, तो 4 प्लस 3i, क्लियर। अब यहां पे आपका देखिए मॉड जेड का, मॉड जेड खाली रूट रहता है, उसका स्क्वायर मतलब रूट रहेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा तब 4 प्लस 3i अपॉन चचरे 16 प्लस 9, तो कितना होगा ये 4 प्लस 3i अपॉन 25। अब इसके बटा इसको कर देना है, उसके बटा उसको कर देना है, 4/25 कर देना है प्लस 3i/25 कर देना है, ये था। अब इसी क्वेश्चन को देखिए जेड इनवर्स से मैं करता हूँ, जेड इनवर्स बराबर क्या होता है 1/z, तो जेड की वैल्यू कितना है उतना रख देंगे, जेड की वैल्यू क्या है 4 माइनस 3i, अब ऊपर नीच प्लस से इंटू कर देंगे 4 प्लस 3i/4 माइनस 3i/4 प्लस 3i, अब ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3i/1, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला हो जाएगा, स्क्वायर मतलब आपका 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, माइनस 3i का स्क्वायर मतलब 9i स्क्वायर की वैल्यू कितना आता है -1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 4 प्लस 3i/25। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 4/25 प्लस 3i/25, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रहा है।